जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। साथियों हमारे साथ फर्स्ट बैच आ चुका है। साथियों हम इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे साथियों कितने का बैच बना है, क्या टाइमिंग मिली, कितने बजे इंटरव्यू, क्या डॉक्यूमेंट लगा है। दोस्त आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद पाल मेरा नाम है। मैं छठवें ग्रुप में दौड़ा हूँ और मेरे ग्रुप में 15 लड़के पकड़े गए हैं। हाँ तो 15 बच्चे पकड़े गए थे। टाइमिंग तो आज अच्छी मिल रही है, पूरा 5:45 मिल रही है। नहीं 5:45 नहीं मिल रही, फुल टाइमिंग नहीं मिल रही। ग्राउंड खराब है, एकदम स्लिप कर रहा है, एकदम स्लिप कर रहा है। शाम को बारिश हो गई थी, एक बच्चे का पैर टूट गया है वहाँ पे गिरने से। हाँ गिरने की वजह से पैर टूट गया, तो एम्बुलेंस में लेकर जा गए उसको। अच्छा यार मैं देखो इधर से बाहर से टाइमिंग लगा सकते हैं, हम लोग कई बार देखा तो 5:45 टाइमिंग दे रहे हैं। पांचवें ग्रुप में 5:45 टाइमिंग दिया गया था, जिसमें 31 लड़के पकड़े गए थे और उतना छठवें ग्रुप में उतना टाइमिंग नहीं दिया गया है। जैसे कि पहले बंदे ने 150 मीटर का लीड दे दिया था, 100-150 का, इसके कारण में छठे ग्रुप में उतना टाइमिंग नहीं दिया गया। तो आपके होम ग्राउंड की टाइमिंग क्या थी? होम ग्राउंड की 5:17-5:15 थी। तो कितने महीने ग्राउंड की प्रैक्टिस की? केवल 2 महीने। 2 महीने में आपकी दोस्त क्या दिक्कत हुई? से यार आपको पहचान रहा हूँ। हमें कहाँ देखे आप, पता नहीं शाम को मिले थे क्या? अच्छे दोस्त आपकी टाइमिंग क्या? मेरी टाइमिंग थी 5:30। तो आपको दिक्कत क्या हुई? आप कौन से बैच में भागे थे? ना मैं पांचवे बैच में था। कितना टाइमिंग मिली थी पांचवे बैच में? तो टाइमिंग पूरा मिली थी बट मेरा पैर स्लिप होने के कारण मेरा चल नहीं पाया हूँ, और मेरे सामने कुछ लोग आ जा रहे थे। मैं भीड़ में पैर आगे बढ़ाने के चक्कर में किसी के पैर पर नहीं डाल सकते ना, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करने में, और स्लिप कर रहा है इसलिए टाइमिंग बस 100 मीटर में रह गया था बस। पर इधर टाइमिंग तो दोस्त क्या है ना, पूरी टाइमिंग मिल रही है। मेरे ग्रुप में टाइमिंग मिली है। देखो मैंने देखा, देखो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, पहला दूसरा खींच के मार दे रहे हैं, तीसरे में बच्चे एकदम बुझ जा रहे हैं, एकदम रुकना स्टार्ट कर रहे हैं। ये गलती आपको भूल से नहीं करनी है। आपको पहला दूसरा नॉर्मल चलना, बन के चलना, ये खींची खिंचवा नहीं करना है, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा गीला भी है। ग्राउंड अगर पैर आपका स्लिप करे कहीं ना कहीं आपका पैर भरना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब आप पहला दूसरा नॉर्मल पकड़ के चलोगे तो लास्ट में क्या है, आपके पैर बॉडी एकदम हीट हो जाएगी, आराम से रेस क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। हाँ आपको अभी मैं देख रहा था बच्चे जो दाहिने भाग रहे थे, दोस्त दाहिने आप आना, दाहिने मत भागना, सीधा बायां पट्टा पकड़ के चलना, पैर को बचा के, पैर बायां पट्टा पकड़ के चलना, आराम से निकलो। कल मेरा बच्चा बायां पट्टा पकड़ के 2 एक्सीलेंट रेस मारे थे टेक्निकल में, आज भी मारा है, आज भी। आज जी डी में कौन कन्नौज का था ना, कौन जीडी के, आज चंदौली का लगा था, हाँ सॉरी चंदौली का लगा, वो भी बच्चा रेस मार चुका है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमारी फिजिकल की अकेडमी भी चलती है, अगर आपको आना है तो फिजिकल की गारंटी के साथ कहता हूँ, दोस्त कहीं भी बैठ जाओगे वहाँ से झंडे गाड़ोगे। दोस्त आपका शुभ नाम क्या है? सत्यम यादव। तो आपको क्या दिक्कत हुई, कितना टाइमिंग मिली थी? टाइमिंग तो फुल मिली थी पर स्लिप करने की वजह से मतलब 100 मीटर का फर्क रह गया था सिर्फ, तब रस्सा उठा दिए थे। तो कितने बच्चे पकड़े जा रहे थे? वही पहले ग्रुप में 31 बच्चे पकड़े थे, वो 30-25-15-20-25-30-35 से पकड़ रहे थे। तो आप कितने महीने ग्राउंड पर प्रैक्टिस किए थे? हम ग्राउंड पर लगभग हम कहते महीने भर किए थे वो भी, क्योंकि साथियों क्या हुआ ना, भर्ती तो आपकी लंबी गई थी, फिर इधर 4 अगस्त को कर दी। दिसंबर जाने वाले 4 अगस्त को, दिसंबर में जाने वाले थे तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, 4 अगस्त को करते हैं प्रैक्टिस करना शुरू किया टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं बचा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो आपको बड़े चैनल बता रहे कि आपकी 2025 में गई है, 25 में गई है, उनके चक्कर में ना पड़ो। आपकी भर्ती यानी कि यही इन लोग की भर्ती, जहाँ रिजल्ट आउट की आपकी भर्ती तुरंत करा देंगे। इंदौर फिजिकल एकेडमी वाला है, ज्यादा बोलते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो बता रहे हैं इतना ऐसा बोलता है ना, उसके हर वीडियो देखता हूँ और इतना इतना मोटिवेट करता है, और पहली बात वो सही बात बताते नहीं है। उसके 4 बच्चे आपके उसी के एकेडमी के ना, 4 बच्चे मेरे भी पास आए हैं। 9,500 रुपए जमा करके 5 दिन के अंदर भाग आए। 4,000 रुपए लेते हैं, 5,000 एडमिशन का, और रहना खाना 3-4,000 महीना। मैं सब जान रहा हूँ, मेरे पास बच्चे आए हैं साथियों, मैं कहता हूँ आप आइए अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करिए। मेन चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पहले आपका कोच अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका खान पान अच्छा। आप हॉस्टल में जाओ, खाना कैसे मिल रहा है, डाइट कैसे मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको देख, ग्राउंड भी देखो, ग्राउंड क्या छोटा तो नहीं है, और भी एकेडमियों का ग्राउंड छोटा है, यानी 1530 मीटर का आपको लगा देंगे, 4:20-4:30 आराम से भाग जाओगे।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बड़े ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। जो हमारा ग्राउंड है वो मैं 1730 मीटर ग्राउंड बना के रखा हूँ, इसीलिए बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आते हैं वो बच्चे तो बोलते हैं सर यहाँ का ग्राउंड बहुत छोटा लग रहा है, इसीलिए हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। उनके दिमाग में रहता है यार मुझे 4 राउंड 5:30 5:20 लेके आना है, क्योंकि वो ग्राउंड हमारा बड़ा है। जब उनकी टाइमिंग ये आ गई ना, यहाँ पे कहीं भी बैठ जाएंगे वहाँ से झंडे गाड़ देंगे। तो आपकी यार दोस्त, आपका शुभ नाम क्या था? हिमांशु गिरी। तो आप कहाँ वहीं पे गए थे क्या? नहीं गए नहीं थे, उनकी वीडियो देखते थे। और सर उसके 2-1 महीने बाद आपका चैनल मिला, 2 महीने बाद, तब से आपकी वीडियो और सब्सक्राइब करके भी रखा है। 2 महीने बाद मुझे? हाँ सर यही। हाँ सर, और आपकी वीडियो हर पूरी वीडियो देखता हूँ, देख लीजिए हिस्ट्री सब पड़ी, पूरी वीडियो देखा। अरे देख रहे होगे यार, तो कैसे गड़बड़ा गए यार? ओ सर, तीन बार फिसल गए कीचड़ था, 3 बार फिसल गए। पहले राउंड में 10वें नंबर पे था, पहले दूसरे में भी 10-15, तीसरे में गड़बड़ा गया, चौथे में एकदम पीछे हो गया, 3 बार फिसल गए तीसरे राउंड से, इसलिए हो गया। 250 मीटर रह गए थे बस। अब कोई बात नहीं, गलती हमारी है, मेहनत सही से किए नहीं है, और उसमें ग्राउंड की गलती नहीं देंगे। तो अभी तो फर्स्ट भर्ती होगी? हाँ पहला अटेम्प्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अटेम्प्ट बाकी है। गलती हमारे का हुआ। क्या देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ क्योंकि सबके लिए ग्राउंड सबके लिए गड़बड़ है, ठीक है। कोई भी और भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मुझे भी दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।